प्ले कर दूंगी, वहाँ पॉज का सिंबल, ये नंबर चलते रहना। सो वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज परवेश खान, आई एम एन एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, आई एम अ ब्रेकथ्रू कोच, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड फॉर लास्ट 10 इयर्स आई हैव बीन ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया। माय लर्नर्स इंक्लूड स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफिशियल्स, टीचर्स एंड बिजनेस ओनर्स। माय कोर एरिया ऑफ ट्रेनिंग इज कम्युनिकेशन, माइंड प्रोग्रामिंग, राइट एटीट्यूड एंड रैशनल बिहेवियर। पिछले 10 सालों में पूरे इंडिया में हमने कम से कम 200 से ज्यादा कॉलेजेस में हमने ट्रेनिंग दी। इसी के साथ साथ हमारे कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, कुछ स्कूल्स कॉलेजेस जो है वो हमारे एसोसिएट्स हैं, जहां पर हमारी कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग चलती रहती है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने एक कैंपेन का नाम दिया है, वी आर रनिंग फॉर कैंपेन कॉल स्किल इंडिया मिशन। What is Skill India Mission? Skill India Mission is soft skill awareness campaign. Because हमने अक्सर ये देखा है कि आप भी अगर अपना पूरा लर्निंग जर्नी उठाकर देखो तो आपके स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस में ज्यादातर आप हार्ड स्किल्स की लर्निंग ले रहे हो, है ना। या तो आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, या तो आप कुछ कैलकुलेशन सीख रहे हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, यानी ये जितनी भी आपकी लर्निंग है ये सब टेक्निकल लर्निंग है जो कि हार्ड स्किल्स में आती है, ठीक है। बट सॉफ्ट स्किल्स की अगर बात करें तो हमारा अटेंशन सॉफ्ट स्किल्स की तरफ बहुत कम है, बहुत कम है। यानी अगर मैं उसको बताऊं तो 2% भी नहीं है हमारा एज कम्पेयर टू हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल्स में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो फोकस है वो 2% भी नहीं है। जबकि एक सक्सेसफुल करियर के लिए, जैसे मैंने कल बताया आपको कि 72% सॉफ्ट स्किल्स मैटर फॉर योर प्रोफेशनल सक्सेस, 28% योर हार्ड स्किल्स मैटर। पर हार्ड स्किल लर्न करने की एक लिमिट होती है, आप तभी तक हार्ड स्किल्स लर्न कर पाते हो जब तक आपकी स्टडीज चल रही है, उसके बाद आपके हार्ड स्किल लर्निंग बंद हो जाती है। और हार्ड स्किल्स का एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पर हार्ड स्किल्स आप इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हो एंड इफ यू आर वेरी एक्सपर्ट इन कंप्यूटर ऑपरेशन, बट ऑपरेटिंग कंप्यूटर विल नॉट हेल्प यू टू सॉल्व योर फैमिली प्रॉब्लम्स। नहीं कर सकता है, आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हो, आपका अकाउंटेंसी बहुत अच्छा है, बट सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपके साथ, सोसाइटी का और आपका, या आपके फ्रेंड्स का और आपका, वहां पर आपका वो अकाउंटिंग वाले स्किल्स काम नहीं आने वाले, वहां काम आएगा सॉफ्ट स्किल, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल में हमने देखा कि हार्ड स्किल एक सर्टेन एरिया तक हम डेवलप करते, उसके बाद डेवलप करना बंद कर देते। हार्ड स्किल्स का एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर हार्ड स्किल्स हमारे काम आती है, या बोलो बिजनेस बोलो या आपकी जॉब बोलो, यहां पर हार्ड स्किल्स आपके काम आती है। बट व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, व्हाट अबाउट योर सोशल लाइफ, व्हाट अबाउट योर ओन बिहेवियर, इसमें हार्ड स्किल्स काम नहीं आती। तो ये हमारा जो कैंपेन है स्किल इंडिया मिशन, इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग को अवेयरनेस मिले, ना सिर्फ स्टूडेंट्स अवेयर हो बल्कि स्कूल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट भी इस तरफ ज्यादा अटेंशन पे करे, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स आपकी जिंदगी भर आपके साथ है और लाइफ के हर एरिया में आपको सॉफ्ट स्किल काम आती है। अगर आपने कम्युनिकेशन इंप्रूव किया तो कम्युनिकेशन ना सिर्फ आपके करियर के लिए हेल्पफुल है बल्कि आपके पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो दिस कैंपेन इज कॉल्ड स्किल इंडिया मिशन एंड टुडेज टॉपिक इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। कल का हमारा टॉपिक क्या था? कम्युनिकेशन, ठीक है। आई होप आप सभी उसमें से थे, ठीक है। अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछना तो पहले हम बोले थे, वॉज इट हेल्पफुल? कल का सेशन क्या था? हेल्पफुल था। कम्युनिकेशन का थोड़ा आपको डीपर साइड पता चला, ठीक है। हम जो कम्युनिकेशन जनरली सीखते हैं ना, वर्बल, नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज, ये सब सरफेस लेवल का कम्युनिकेशन है। एंड वॉट वी लर्न यस्टरडे, दैट इज वेरी डीपर साइड, ओके। बिकॉज फर्स्ट कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन योर माइंड, फर्स्ट यू टॉक टू योर सेल्फ, देन यू टॉक टू अदर्स। सो इफ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ इफेक्टिवली, देन ओनली यू कैन टॉक टू अदर्स इफेक्टिवली। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपने आप से बहुत वीक बात कर रहे हो और दूसरों से बहुत इफेक्टिव करोगे, वो नहीं सकता, ठीक है। तो कल के इसमें से अगर कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। क्या चीजें
देखिए बॉडी लैंग्वेज में आपका नेक मूवमेंट भी है, नेक मूवमेंट है आपका, सिटिंग पोस्चर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, तो आप इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज को है ऐसा आप समझते हैं, बट बॉडी लैंग्वेज मीन्स व्हाट, योर नेक मूवमेंट, हाउ डू यू मूव योर नेक, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी तो बॉडी नहीं आए, ठीक है, और फेशियल एक्सप्रेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे मैं निकल गया हूं, अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि आर यू कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट द जॉब, और आप कहते हैं यस आई एम कॉन्फिडेंट, व्हाट आर यू डूइंग, मींस हियर आपके फेशियल एक्सप्रेशन के आपके वर्ड्स से ज्यादा रहेंगे, वो आपके वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर आप कहते हो यस आई एम कॉन्फिडेंट, आपका एक्सप्रेशन कह रहा है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, ओनली योर वर्ड्स आर सेइंग यू आर कॉन्फिडेंट, सो व्हाट विल ही एक्सेप्ट, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, अगर आप इसे यस आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट दिस जॉब, नाउ योर वर्ड्स एंड योर फेशियल एक्सप्रेशन आर मैच एंड देन ही विल एक्सेप्ट, ओके, तब जाके वो एक्सेप्ट करेगा हाँ ये जो कह रहा है ये फील भी कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज मतलब ये नहीं जो कि आप बॉडी मूवमेंट ही करो, हाथ बहुत ज्यादा हिलाओ, नहीं, आपका ये जो पोस्चर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बैठते कैसा हो, आप ऐसा बैठ रहे हो, ठीक है, आप ऐसे एक साइड में कोई ऐसा बैठ जाता है, कोई ऐसा बैठ जाता है, सो दिस मैटर्स अ लॉट, ठीक है, सो व्हाट आई ऑलवेज से व्हेनेवर यू सिट इन इंटरव्यू यू शुड सिट बिल्डिंग, ओके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सो माय क्वेश्चन टू यू, व्हाई डू वी नीड कॉन्फिडेंस, व्हाई डू वी नीड कॉन्फिडेंस, एनर्जी के साथ काम होना चाहिए, एनर्जी के साथ वो काम होना चाहिए, इसलिए कॉन्फिडेंस चाहिए, हाँ, व्हाट डू यू, व्हाई डू वी नीड कॉन्फिडेंस, क्यों चाहिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिकॉज फॉर किसी को अगर बाकी लोग क्या सोचेंगे, इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लोड है, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, अपने आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छी रहती है, जब अपन एटमोस्फेयर का या अगर चीजों का बातें वाकई बोलेगा इसकी वजह से अपनी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस कम हो गया तो परफॉर्मेंस अपने से ज्यादा लोगों के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, तो साइकोलॉजिकल पॉइंट मेरे हिसाब से व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू वी नीड कॉन्फिडेंस, गेट बेटर रिजल्ट, गुड, जब आपल्या मध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्स वगैरे असेल तर आपण आपल्याला म्हणजे बाहेरचे जे मोटिवेशन वगैरे त्याची गरज नाही पडत, त्याच्यासाठी कॉन्फिडन्स पाहिजे, सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणजे कोणतं पण काम पूर्ण करण्यासाठी, कोणतंही काम करण्यासाठी आपले गोल सेल्फ कॉन्फिडन्स पाहिजे, शूज ये कॉन्फिडन्स, क्यों भाई इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, आप कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए, इंटरव्यू के लिए, ओके, टू परफॉर्म वेल, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, व्हाई डू वी नीड कॉन्फिडेंस, व्हाई डू वी नीड कॉन्फिडेंस, देखिए जो पहले आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए पहले ये बताऊं, मैं क्यों चाहिए, सर हाँ सर आपने जिंदगी जी ना भगवान ने उसको फुल ऑफ जीने के लिए बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए, अच्छा फुल लाइफ जीने के लिए बहुत सारा कॉन्फिडेंस, रोटी में रास्ते नहीं हमें चीज होंगे ये कॉन्फिडेंस, अच्छा गुड, हाँ व्हाई डू यू थिंक, व्हाई डू वी नीड कॉन्फिडेंस, ओके वेरी गुड एग्जाम्पल, जैसा पौधों को पानी चाहिए वैसा हमें भी कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, अच्छा आप लोगों ने क्या क्या ट्राई किया है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, हाँ मैंने क्या किया, क्या किया, जो मुझे पहले नहीं जानता था हाँ वो मुझे आज भी जानता था, लेकिन फिर मैं उससे बोला किया नहीं अभी तक तो हो नहीं था, आज भी नहीं होगा लेकिन कभी देख रहा हूँ हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस एटलीस्ट बूस्ट हो गया, ओके वेरी गुड,
आपने क्या किया कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या किया कुछ नहीं किया तो होगा भी नहीं मैं ऐसे आपकी मेरे आजू बाजू के लोग थे ना वो सब निगेटिव इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया पर इस सब जो हुआ है इस सब मैंने तीन चार दिन भी दिए जो थे मेरे साथी थे उनका प्री भी नहीं निकला पर मैं अभी मेरा जो सर्कल है ना उनको छोड़ के मैं उनको उनको छोड़ दिया मैंने और फिर मैं अभी नया सर्कल बनाया वेरी गुड कुछ किया ना इसका मतलब हाँ किया सब जन बोलते थे प्री निकालना हार्ड है हार्ड है मैंने चार पांच प्री भी निकाले मीन्स भी दी और जो मेरे सर्कल में थे लड़के उनका प्री भी नहीं निकला फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं गलत लोगों के साथ कर रही था वेरी गुड सी दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट देखिए कॉन्फिडेंस हमारा क्यों नहीं बढ़ता है इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी सराउंडिंग बड़ी इम्पोर्टेंट होती है मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितना स्कूल कॉलेज और किताबों से नहीं सीखते उससे ज्यादा आप अपने साथ रहने वाले से सीखते हो ठीक है तो इन्होंने अपने जो जो उनकी कंपनी है जो उनकी सोबत है उसको छोड़ दिया कॉन्फिडेंस बढ़ गया इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरमेंट है ना वो हमको नीचे खींचता है वो खींचता है पीछे खींचता है अच्छा कभी अगर जरूरी नहीं कि दूसरे लोग ही मुझे पीछे खींचेंगे मैं खुद अपने आप को उनसे कंपेयर करके खुद को नीचे रखता हूँ मैं कहता हूँ नहीं इनसे आगे कैसे जाऊं इनसे आगे कैसे जाऊं ये क्या सोचेगा वो क्या बोलेगा ये बोलेगा बहुत ज्यादा होशियार हो गया क्या ये बोलेगा हमसे आगे जा रहा है क्या कोई मुझे नहीं कह रहा है हम अपने आप को कहते रहते हैं सो दिस इज अ गुड डिसीजन दैट चेंज द एनवायरमेंट चेंज जैसे मैंने आपको कल कहा अगर आपको कोई भी नया काम करना है ना तो नए व्यक्ति के साथ करो नए व्यक्ति के साथ करो क्योंकि नया व्यक्ति आपको नहीं जानता आप उसको नहीं जानते दोनों को एक दूसरे की लेवल नहीं पता लेकिन जो शुरू कर देगा ना वो छा जाएगा लेकिन पुराने लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है अगर आपके पुराना सर्कल है दो तीन साल से आप उस फ्रेंड के साथ रहते हो और उसके साथ अगर कुछ नया करने के जाओगे ना तो वो हंस देगा और वो हंस देगा तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा ठीक है तो इसलिए कभी भी कोई भी नया काम अगर आप कर रहे हो तो किसी नए व्यक्ति पर ट्राई करो एंड देन चेक योर सेल्फ कि मैंने जो किया उसमें मैं कितना सक्सेसफुल हुआ बट डू इट विद न्यू पर्सन हमारा प्रॉब्लम यही है हम अपने पुराने लोगों के साथ ही कर रहे हैं इंग्लिश सीख रहे तो घर में ट्राई कर रहे हैं ना ऐसे तो व्हेनेवर यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू ट्राई इट विद अ न्यू पर्सन ट्राई इट इन अ न्यू एनवायरमेंट ठीक है क्योंकि वो आपको नहीं जानते आप उनको नहीं जानते आप अपना फुल दे दो और फिर जब आपको फीडबैक मिलेगा आपको पता चलेगा यार मैंने इतना कर दिया मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा मुझसे ठीक है दूसरी बात अक्सर हमारे जो एनवायरमेंट से ना मेरे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि सर हमारे यहाँ इतने नेगेटिव लोग क्यों हैं और पॉजिटिव भी इतने कम क्यों है तो उसकी एग्जाम्पल देता हूं मैं नेगेटिविटी इज इन द एयर नेगेटिविटी इज इन द एयर हमारी हवा में नेगेटिविटी है पता है आप ब्रीदिंग करो नेगेटिविटी अंदर जा रही है ठीक है इतनी फ्रीली अवेलेबल है नेगेटिविटी नेगेटिविटी इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने बाजू वालों को पूछो देखो नेगेटिव वो आपको फुल नेगेटिव कर डालता है ना किसी को नहीं भी पूछो लोग खुद आकर नेगेटिव कर देते आपको ठीक है तो नेगेटिविटी इज अवेलेबल एवरीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट बट फॉर पॉजिटिविटी यू हैव टू पे प्राइस You have to pay price because negativity is air ki tarah hai. Air is available free of cost. And positivity is like precious gem. Kheemti hire ki tarah hai. Uski kheemat ada karni padegi. Positivity ke liye uski kheemat ada karni padegi. Uski kheemat kya hai? Learning, implementing, experimenting, experience and then try again. सीखना है अप्लाई करना है एक्सपेरिमेंट करना है गलत हुआ फिर से ट्राई करना है और जब आप ये प्रोसेस बार बार करोगे तो पॉजिटिविटी आएगी ऑटोमेटिकली नहीं आएगी ठीक है तो पॉजिटिविटी एक पौधे लगाने की जैसा है पहले आपको उसका बीज बोना पड़ेगा उसको टाइम टू टाइम पानी देना पड़ेगा उसको खाद देना पड़ेगा उसको हवा धूल मिट्टी और धूप से बचाना पड़ेगा तब जाके पॉजिटिविटी का पौधा आएगा नेगेटिविटी इज अवेलेबल एवरीवेयर ठीक है तो जो इन्होंने किया वो यही किया
कि ये इन्वायरमेंट में मेरे को बहुत नेगेटिविटी आ रही है, इन्वायरमेंट चेंज किया, प्राइस पे किया ना उन्होंने, वो पुराना सफर छोड़ना पड़ा, प्राइस पे करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पॉजिटिविटी इज एक्सपेंसिव, नेगेटिविटी इज फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। आप जरा सा किसी से कुछ बात कर लो, यार मैं वो इंटरव्यू को जा रहा हूँ, तो चार लोग बोलेंगे बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। सिर्फ एक ही व्यक्ति बोलेगा टफ नहीं है, कौन? जो सेलेक्ट हुआ है। सिर्फ जो सेलेक्ट हुआ है वही बोलेगा टफ नहीं है। तब एक इंटरव्यू में अंदाजा लगाओ, 50 लोग जाते हैं, एक सेलेक्ट होता है, इसका मतलब पॉजिटिविटी सिर्फ एक ही देगा, बाकी 49 आपको नेगेटिविटी देगी। इसलिए मैं कहता ना नेगेटिविटी इज फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। अगेन व्हाट डू यू डू, बुक रीडिंग करते हो आप? होता है, बुक रीडिंग से बिल्ड होता है। और क्या करते हो आप, क्या करते हो? कंटिन्युअसली प्रयत्न केले, एखादा टास्क सर्टन मोमेंटला चौथ्या अटेम्प्टला जर झाला, कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो, त्याने दुसरा टास्क करताना कॉन्फिडन्स अजून बिल्ड होतो, या अप्रोचने आपण हा टास्क पूर्ण करू शकतो। ओके, अगेन तुझसे बोलणे से कॉन्फिडन्स आ जातो। व्हाट यू डू टू डेव्हलप कॉन्फिडन्स, आपने क्या ट्राय केलं? बार बार रिपीट करने से आ जाता। पॉजिटिव थिंकिंग आती कहां से? ये पॉजिटिव थिंकिंग अब आती कहां से वो भी जरूरी है ना, लेते कहां से हो ये पॉजिटिव थिंकिंग? ट्राई करने से। नहीं देखो, आपने एक बार कुछ ट्राई किया, फेल हो गए, फिर आप और ट्राई करोगे तो फिर रिजल्ट तो वही आने वाला है। आपने ऐसा क्या नया किया जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? अलग से ट्राई। आप क्या करते हो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए? क्या करते हो? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? जो काम इस वजह से कर रहे उसको बार बार याद करें, मतलब जो जब से उसको याद करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा, वॉचिंग इंटरव्यू टू बी सक्सेस, वॉचिंग इंटरव्यू पीपल विच इज ऑलरेडी सक्सेस इन देयर लाइफ, those who are already successful in their life, those who have achieved the goal, by watching them you develop your confidence. इसको कहते हैं मॉडलिंग कर, मॉडलिंग दिस इज वेरी गुड टेक्निक एक्चुअली, ठीक है। यानी आपको जो बनना है, आपको जो करना है, तो जिन लोगों ने वो काम पहले कर चुके उनको देखना है। हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम? मुझे बनना है बैंकर और मैं देख रहा हूं क्रिकेटर, है ना? मुझे बनना है एक बिजनेसमैन और मैं मोटिवेशन ले रहा हूं बाहुबली से, बाहुबली से मोटिवेशन ले रहा हूं। भाई बाहुबली की सिचुएशन अलग है, मेरी अलग है। सो दिस इज वेरी गुड टेक्निक, जिस फील्ड में आप जा रहे हो, जिस फील्ड में आपको परफॉर्म करना है, उस फील्ड में ऑलरेडी जो लोग सक्सेसफुल है उन्हीं को देखना, ठीक है। और व्हाट यू कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हो? क्या करते हो? मेडिसिन मिलती है क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाने की? मेडिसिन है टैबलेट इंजेक्शन लेते एकदम कॉन्फिडेंस आता है, यस नाउ आई एम फीलिंग बेटर, ऐसा कुछ है? मेडिटेशन रिलैक्स करते हो अपने आप को, और मोटिव ध्यान में रखने से, मोटिव हाँ पर्पस या ध्यान में रखने से। व्हाट डू यू प्रायोरिटीज, अगर प्रायोरिटीज लिस्ट बनाते हो तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, प्रोसेस करते हैं। अच्छा, सेल्फ वैल्यू इवैल्यूएशन करते हो आप, अच्छा कुछ लोग जो है मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते होंगे, मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है। अक्सर मोटिवेशनल वीडियोस में आप लोगों ने सुना होगा टाइगर की स्टोरी, लायन की स्टोरी, है ना, come on your lion you can do it, ठीक है। मोटिवेशन के नाम पे इतनी लॉयन और टाइगर की स्टोरी हमको सुनाई गई कि बेचारा टाइगर भी बोलता बना दो उसको टाइगर, है ना, मुझे इंसान बना दो इसको बनाओ टाइगर, उसको इसको बहुत टाइगर बनने की पड़ी है, है ना। होता ना ऐसा, अक्सर आपको स्टोरी बताई जाती है ना कि यू आर अ टाइगर, कम ऑन यू आर अ लायन, यू कैन डू इट। मुझे बताओ ये सुनने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है?
क्यों नहीं बढ़ते? उतनी देर तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को टाइगर बोला यस, मतलब टाइगर अफसोस कर रहा है मुझे इंसान बना दो इसको टाइगर बना दो, क्योंकि टाइगर के भी लिमिटेशंस है, जितने टाइगर को जितने लिमिटेशंस है उतने इंसान को भी नहीं है, जितने टाइगर को लिमिटेशंस है इंसान अनलिमिटेड है, देयरफॉर द ह्यूमन कैन कंट्रोल टाइगर, टाइगर हैज लिमिटेशन टू कंट्रोल ह्यूमन, ठीक है। तो अक्सर जो आप कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जो टाइगर और लायन की स्टोरी सुनते हो तो उतनी देर के लिए आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन में आप आते हो आपको इंटरव्यू को जाना है फिर आप सोचते हैं टाइगर इंटरव्यू को जाएगा तो कैसा करेगा, उसका कोई इंटरव्यू नहीं होता है और तब फिर आपको मोटिवेशन काम, ठीक है, होता है इसे, ठीक है। तो यहां पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बहुत सारे सोर्सेस है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, व्हाई डू वी नीड कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई नीड कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म वेल, आई नीड कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म वेल, आई नीड कॉन्फिडेंस टू अचीव माई गोल्स, आई नीड कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म इफेक्टिवली, जो मैं चाहता हूं मुझे उसको अचीव करना है इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है भाई। कॉन्फिडेंस आप डाइजेशन के लिए काम आ रहा है, सर मेरा डाइजेशन खराब हो गया मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस आपको मसल्स पंप अप करने के लिए चाहिए क्या, कॉन्फिडेंस आने से ऐसे चेहरे पे ग्लो आ जाएगा क्या, फेयरनेस आ जाएगा क्या, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई डू आई नीड कॉन्फिडेंस, आई नीड कॉन्फिडेंस टू अचीव माय गोल्स, दैट्स ठीक है, क्लियर है। नाउ व्हाट इज कॉन्फिडेंस, वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब हमने बात कर ली कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए, ठीक है, आई नीड कॉन्फिडेंस टू अचीव माय गोल्स, नो व्हाट इज कॉन्फिडेंस, राइट माइंडसेट, नॉलेज, गुड नॉलेज, जिन लोगों को बहुत नॉलेज होती है क्या वो कॉन्फिडेंट होते हैं, गुड नॉलेज, गुड नॉलेज, गुड थॉट्स, थॉट्स तो सबको अच्छे अच्छे आते हैं, तो सबसे ज्यादा काम जो रहता सबसे ज्यादा थॉट्स उसके ही पास है बट वो परफॉर्म नहीं करता, पता नहीं ऐसे, यानी जो सबसे ज्यादा सोचता है सबसे ज्यादा थॉट्स तो उसके पास है फिर वो परफॉर्म क्यों नहीं करता, एनर्जी, एनर्जी होनी चाहिए। अच्छा अब अच्छा आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो बहुत एनर्जेटिक है लेकिन स्टेज पे बुलाओ तो पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है ना, ऐसे भी है ऐसा, आपस में बैठ के बहुत गप्पे मार सकते हैं, बहुत एनर्जी 8-8 घंटे घंटे की बात कर सकते हैं लेकिन स्टेज पर आकर 2 मिनट की बात कर सकता हूं तो एनर्जी काम आ रही क्या, व्हाट इज कॉन्फिडेंस, अगर मुझे समझ है कि क्या सही है